टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक ट्राइंगुलर प्रिज्म बना रहे हैं जिसका साइड 30 और एक्सिस साइड 50 mm है। इट इज़ रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एज ऑन GL। GL मतलब ग्राउंड लेवल पे रेस्ट कर रहा है। एक्सिस पैरेलल टू HP VP है और उसका एक साइड 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है GL को। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे इंक्लाइंड लाइन 45 डिग्री पे। तो ऐसा इंक्लाइंड लाइन बनाया, ये साइड लिया, यहाँ से इतना लेके कट किया इस साइड, और यहाँ से इधर ये जहाँ पे मिलता है वहाँ पे ज्वाइन कर दिया। इस प्रकार से क्या मिल गया, ट्राइंगल। उसके बाद यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये XY हो गया। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बना रहे जो लेफ्ट साइड पे आए। सो इस साइड क्या आएगा, फ्रंट व्यू। देखो मैं यहाँ से और यहाँ से प्रोजेक्ट करता हूँ तो मुझे फ्रंट व्यू मिल जाएगा। उसका लेंथ 50 mm है एक्सिस लेंथ, तो उस हिसाब से ये फ्रंट व्यू हो गया। ये लाइन डार्क, ये लाइन डार्क, और ये जो लाइन है डॉटेड आएगी क्योंकि वो दूर है ऑब्जर्वर से। ऑब्जर्वर दोनों के बीच में रहता है, थर्ड एंगल में याद रखो। उसके बाद टॉप व्यू, तो यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे। अगर एक्चुअली मैं इसमें नेमिंग करता हूँ तो इजी पड़ जाता है, इसलिए A++, B++, C++, फ्रंट व्यू में डैश और टॉप व्यू में विदाउट डैश। तो अभी टॉप व्यू में मुझे मिल गया B और A, इसको ज्वाइन करो। उसके बाद यहाँ से ये जो C वाला लाइन है वो डार्क आएगा बिकॉज ऑब्जर्वर को दिखता है ना, ऑब्जर्वर बीच में है तो देख सकता है, इधर भी ऑब्जर्वर बीच में है इसलिए देख सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू समझ में आया होगा। धन्यवाद।